छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में वर्तमान विधायक संगीता सिन्हा एवं पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा के संरक्षण में अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स निर्माण कराने का आरोप लगाते हुए भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। उक्त प्रदर्शन में स्थानीय लोग नहीं पहुंचे। दूसरी जगहों से भी लोगों का अपेक्षा भीड़ इस कार्यक्रम में नहीं जुट पाई। इस पर व्यापारी संघ ने भाजपाइयों को मुद्दा विहीन बताते हुए कहा कि क्या भाजपा व्यापारियों का हित नहीं चाहती है? कॉम्प्लेक्स बनाने से सभी व्यापारियों और नगर का ही हित है, तो फिर इस पर बेवजह बाधा क्यों डाला जा रहा है? व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भाजपाइयों के प्रदर्शन के चलते नगर पंचायत प्रशासन द्वारा दबाव में आकर कॉम्प्लेक्स का निर्माण रुकवा दिया गया है। कई व्यापारियों ने सवाल यह भी उठाया कि इस छोटे से मुद्दे पर भाजपाइयों द्वारा सांसद मोहन मंडावी को बुलाया गया था, जो कि उन्हें बड़े मुद्दों पर जाना चाहिए। इसका विरोध नहीं होना चाहिए। छोटे बड़े सभी व्यापारी हैं यहाँ, और सब अपना व्यापार चलाने के लिए, और बारिश में बहुत ज्यादा हर किसी को तकलीफ होती थी, और तोड़ के नया पक्का मकान बना रहे हैं, और कोई ऐसे कोई बात तो है नहीं। दुकान से किसी व्यापारियों को कोई डिस्टर्ब नहीं होता था। रौनक आएगी बहुत अच्छे से, गुरु शहर के माफिक दिखेगा, मॉडलर नजर आएगा गुरु अपना, और विधायक जी का जो योगदान है, हमें सपोर्ट कर रहे हैं व्यापारी भाई को, वो हमें सराहनीय है विधायक जी को। इसमें क्या है, हम लोग लगभग 70 साल से यहाँ काबिज हैं, और पुराना दुकान हो चुके। सबसे बड़ी बात पानी बरसात, इसमें व्यापारियों को बहुत दिक्कत आती थी, और इनसे हम लोग व्यापारी बहुत परेशान थे। इसी कारण हम लोग 15 से 20 साल से कम से कम लगे हुए थे कि हमारा दुकान पक्की बने तो हमको सुविधा हुए। ये अगर कम्प्लेक्स हमारा बन जाएगा तो व्यापारी और मतलब ग्राहकों की सुविधा होगी, और गुरु की रौनकते भी बढ़ेगा। नगर पंचायत गुरूर में लगातार अवैध निर्माण का कार्य जारी है, जो विधायक के संरक्षण में खुलेआम चल रहा है। नगर पंचायत के नियमों को ताक में रख दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के 8 पार्षद थे, उसमें जनता के लोगों के बीच में भयभीत करके किसी भी लालच देकर पार्षदों को तोड़ा गया। और हमारे प्रशासन को और नगर पंचायत को चेतावनी है कि अगर ये काम चालू होगा तो हमको फिर से एक बार सड़क पे आना पड़ेगा। रूपचंद जैन की रिपोर्ट, बस देखते रहिए सीरी विजन टीवी।